छोटी मैम साहब, ये डायरी राज साहब की है, लगता है वो इसे भूल गए। अच्छा जी, थैंक यू जी। मंडे, सोना आज आई तो जरूर अपने हमेशा के वक्त पर सोना का मूड आज ठीक नहीं था। मैंने पूछा, सोना इतना गुस्सा किस बात पर? उसकी आंखों में दो आंसू उभर आए, कहने लगी, वजह तो तुम जानते ही हो, मैं सब कुछ देख सकता हूं मगर सोना की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मोहन प्यारे, ये समझ लो कि शहर के सबसे बड़े वकील तेजबाल फंस गए मेरे जाल में। आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे बेटा बेटा कहकर जबान नहीं थक रही थी उनकी, और मैं अपने दिल में बोल रहा था कि बेटा नहीं बाबूजी, दामाद बोलने की आदत डालो। अरे दामाद तो तब बनेगा ना जब बेटी मानेगी। अरे वो भी मान जाएगी, जब पेड़ हिल गया तो फल तो गिर जाएगा अपनी झोली में। ओए राजा मत देख, जागते हुए सपने मत देख, जा भाई रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जा। अरे अभी कहाँ, अभी तो वो आने वाली है। क्यों, प्यार का इकरार हो गया है क्या? नहीं अभी तक हुआ तो नहीं है। तो फिर इतनी रात गई का टाइम पूछने आने वाली है? नहीं, उसके दिल में दरअसल मेरे लिए प्यार बहुत है, लेकिन आज उसका इकरार करने आने वाली है वो। चल ना, कितना बोर करेगा, तेरी भाभी अभी डोरबेल बजाने वाली होगी। बाय बाय। हेलो हेलो। ये आप अपनी डायरी हमारे फार्म हाउस पे थैंक यू भूल आए थे। ओके ओके, बाय बाय। बाय द वे, ये सोना कौन है? सोना के बारे में जानना चाहती हो तो इत्मीनान से बैठकर सुनना होगा, क्योंकि ये एक लंबी दास्तान है। आओ। एक्सक्यूज मी, ये सोना का नहीं, मेरा हाथ है। ओह आई एम सॉरी, पता नहीं ये सोना की बात निकलती है मुझे क्या, आइए ना, मुझे क्या हो जाता है, बस यूं समझ लो कि मैं जिंदगी हूं तो सोना सांसें, मैं अगर दिल हूं तो सोना धड़कन, मैं अगर प्यास हूं तो सोना पानी है। एग्जैक्टली। मैं अगर फूल हूं तो सोना खुशबू, मैं अगर दर्द हूं तो सोना आह। समझ गई समझ गई, आप टीवी हैं तो वो रिमोट है, आप जूता हैं तो वो सॉक्स हैं, आप प्रेशर कुकर हैं तो वो सीटी है, और भी कुछ बोलेंगे आप? सुनो तो सही, पता नहीं ये सोना की बात निकलती है मेरी दुनिया वहीं की वहीं थम क्यों जाती है। अच्छा, बहुत मोहब्बत करते हैं उससे? मोहब्बत, बस यूं समझ लो कि इस नाम के इर्द गिर्द ही मेरी दुनिया बसी है। बहुत सुंदर है दिखने में। सुंदर बोलकर बेइज्जती मत करो मेरी सोना की, प्लीज प्लीज। सोना तो अति अति, अति। देखिए मैं जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है, मैं फिर कभी आऊंगी। मेरी सोना की तारीफ में एक रात तो क्या, कई रातें कट सकती हैं। देखिए मैं फिर कभी उनसे पर्सनली मिल लूंगी, मिलवाएंगे ना आप? मुश्किल लगता है मगर फिर भी कोशिश करूंगा। वैसे सोना जी की एक तस्वीर है मेरे पास, देखना चाहेंगी आप? नहीं जी, जरूर। हाँ, मेरे सामने मत देखिएगा प्लीज। क्यों? मुझे शर्म आती है। सोना की तस्वीर, इसे यहां नहीं, घर ले जाकर खोलना, फूलों से भी नाजुक है मेरी सोना, कलियों कलियों। हम दाना डालें और मछली न फंसे, ये तो हो ही नहीं सकता। सोना पंखा है, मैं हवा हूं, सोना ये है, सोना वो है, सोना ऐसी है, सोना वैसी है। सोना तो सिर्फ मेरी एक कल्पना है, और इस कल्पना का हिस्सा इस आईने में खोजने की कोशिश करो। अरे अब शर्माती रहोगी कि आगे भी पढ़ोगी? अरे पढ़ो तो। एक छोटा सा काजल का टीका लगा लो, मेरी नजरों से अपने आप को देखोगी तो नजर लग जाएगी। He loves me, he loves me, he loves me, हाँ।
सोना कैसी है, सोना ऐसी है, सोना बहुत 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 खुश है। सलाम सर। ये गाड़ी किसकी है, कौन आया? सर जिन्हें आपने भेजा था वो वकील साहब। मैंने? हाँ। मैंने किसी वकील को नहीं भेजा। लेकिन सर वो तो कल से आए हुए हैं और बड़े मजे से रह रहे हैं। कमाल है, पहले लोग फुटपाथ पे कब्जा किया करते थे, अब बंगले पे कब्जा करने लगे। देखो तो सही कौन है। खुराड़ा साहब तो इतना मानते हैं मुझे, मुझसे पूछे बगैर एक गिलास पानी नहीं पीते। मतलब अगर तुम्हें वो दो दिन ना मिले तो बेचारे प्यासे ही मर जाए। Dad, you're too much. इतना मानते हैं आपको? इतना मानते हैं? भाई मैं उनका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हूँ। यानी कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उन्हें इस कंधे पर सर रखकर रोते हैं। भाई कंधे पर से हाथ हटा लो, ये कंधा हमने खुराड़ा साहब के लिए रिजर्व रखा हुआ है। Excuse me. कौन है? Yes? खुराड़ा साहब आप? What a pleasant surprise. Pleasure is all mine. ये आपके नेबर है तेजपाल जी। Hi, sir. उनकी बेटी है सोनम। नमस्ते। आप चल के फ्रेश होइए ना सर, मैं जरा रेडी होकर मार खाने, मेरा मतलब मैं मिलने आता हूँ। हाँ करते हैं। Excuse us. Excuse me, sir. इन्हें तो मैं जानता हूँ, तुम कौन हो और मेरे घर को अपना घर बना के क्या कर रहे हो? सर मेरा नाम राज मल्होत्रा, पेशे से वकील हूँ। तेजपाल जी की बेटी से मुझे प्यार हो गया, उन पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए मेरी मत मारी गई, मैं आपके फार्म हाउस पे आ गया। अच्छा। मेरे प्यार की नैया पार होने वाली थी कि उसमें छेद करने के लिए आप आ गए सर, और अब किनारे पे मेरी नाव डूबने वाली है। अरे भाई एक क्लाइंट और वकील के आपस में ही बात करते रहेंगे हा? नहीं सर, मैं तो इनसे पूछ रहा था कि भाई जिस काम के लिए आए हो वो किया भी या फिर यहाँ वहाँ की हाँकने में लगे हुए। सर वेरी ब्राइट एंड ब्रिलियंट यंग मैन, ये जरूर एक ना एक दिन बहुत तरक्की करेगा। आई एग्री विद यू। थैंक यू सर। अच्छा डैडी अब चलें, अब तो इनके क्लाइंट आ गए हैं, ये बहुत बिजी हो जाएंगे, पता नहीं फिर कब हमारे लिए वक्त निकाल पाए। अरे ऐसा मत कहिए प्लीज, अगर वक्त साथ दिया तो बचा वक्त आप ही की सेवा में कटेगा। अच्छा सर शाम की चाय आपके यहाँ पक्की हो जाती है फिर? जरूर बेटा, हम इंतजार करेंगे। ओके आइए। ओके बाय बाय। ओके सर। ओके 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 सर। बेटा अरे खुराड़ा साहब आप धर्मात्मा हो, परमात्मा हो, विश्वात्मा हो, जब भी मेरी रोमांटिक स्टोरी लिखी जाएगी उसमें मसीहा का रोल आप ही का होगा। बस बस यार, अब मेरे सामने ये मक्खन की दुकान मत खोलो, हमने भी जवानी में से बहुत से खेल खेले हैं। हाँ बस उन दिनों की याद में आज तुम्हारी मदद की है, जाओ यार खुश रहो। अरे खुराड़ा साहब थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत तेज हो भाई, थोड़ी सी देर में पैर से लेके गले तक पहुंच गए। एक दिन बहुत आगे जाओगे दोस्त। सर आई रियली वॉन्ट टू बी अ वेरी बिग, नॉट एज बिग एज यू, बट आई रियली वॉन्ट टू बी अ बिग मैन सर, एंड फॉर दैट आई वॉन्ट योर सपोर्ट। राज अबे ये होंडा है, टैक्सी नहीं है, तू इसमें क्या कर रहा है? अरे राज ये तेजपाल साहब ने तेरी गाड़ी भेजी है, सोनम की शादी के बारे में डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। क्या बात करता है? किसी टेलर को जानता है? हाँ, माधव टेलर है ना। हाँ, कोई सूट उठा है? पहला कोट है ना। अबे इस सूट के साथ तू मेरी शादी में सूट नहीं करेगा, कोई रंगीन सूट पहन के आना। राज राज अबे मैं राज चलते लोगों के मुंह नहीं लगता, मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया अभी। राज तू है ना एकदम यार मास्टर आदमी है। मेरे फार्म हाउस में यू नो दो तीन किस्म के आलू उगते हैं, अगर वहां से राज बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। सर आपने मुझे बुलाया था सर? हाँ वो आदर्श ने अपने कजन से सोनम की शादी की बात चलाई है, इसलिए ये लोग चले आए। उस दिन तुमने सोनम के लिए भगवान से दूल्हा मांगा था, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लड़के से मिलो, ये सब तुम्हारी दुआओं की वजह से हुआ है। आदर्श बेटा बेटा बैठाओ जरा, राज को मेहमानों से मिलवा दो बेटा जरा। बेटे नमस्ते राज साहब, आइए। वेरी गुड चैपीज, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी राज, सही वक्त पर आए हो। तुम्हारी इस सिचुएशन पे राज कपूर साहब ने गाना लिखा है, भवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार, ये रहा राजकुमार। आइए नरेन, ये है राज, छोटे मोटे वकील है, एफिडेविट बनाते हैं, अगर तुम्हें कोई काम उधर से करवा लेना, मैं चाहता हूं कि हमारे लोग भी 20-50 कम है। क्यों राज साहब, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाय हाय, तो कैसा लगा मेरा सोनू? सुंदर या अति 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 सुंदर? जरा लेवल पे आ जाएंगे आप? जी जरूर जी। अच्छा लड़का, बढ़िया है, नाक जरा सीधी नहीं है उसकी मेरी तरह, बढ़िया है।
अच्छी नहीं लगी? नहीं अच्छी है। अच्छा नाग, बाल भी सही होते ना तो आदमी लगता बेचारा। हाँ। बहुत थोड़े कम है बाल। हाँ, थोड़े से। बहुत ज्यादा कद ज्यादा कम नहीं, कम से कम मेरे जितना तो होना चाहिए था ना, कम है। तुम्हारे साथ खड़े रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं पता नहीं क्या। एक दर्जन नुक्स निकाल कर कहते हो कि मुझे सोनू अच्छा लगा, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? तुम चाहते हो कि मेरी शादी उसके साथ ना हो, तुम चाहते हो कि मैं उसे रिजेक्ट करके तुमसे शादी करूं। टूटते हुए तारे को देखकर मन्नत मांग सकते हो, कल्पनाएं कर सकते हो, आईने भेज सकते हो, दुनिया भर की बकवास कर सकते हो, लेकिन मुझसे दो सेंटेंस नहीं बोल सकते। आई लव यू सोना, आई वॉन्ट टू मैरी यू। नहीं, उन सबके सामने तुम जाकर नमस्ते नमस्ते जी कैसे हैं आप करते रह गए, ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ऐसा करने से मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। जानू, नहीं ना सोना, नहीं ना सोना बाबा, नहीं नहीं नहीं, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू टू, आई लव यू। इसमें सारी गलती तुम्हारी भी तो है। कैसे? तुम भी अपना आईना लेकर बैठ गई, इतना भी नहीं कि अपने गाल के ऊपर तिल लगाकर साबित कर दो, इशारा कर दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वो तुम्हारे डैडी है, वो मेरे गुरु है, उनको मैं कैसे कह दूं कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं? स्टूपिड है, बात करती है। वो तुम्हारे गुरु हैं, मेरे तो पापा है ना, मैं अपने पापा से तो बात कर सकती। अरे तो करो ना यार। सोना मेरी बेबी, जानू आई एम सॉरी, आई लव यू ना बाबा। क्या राज तुम्हें पसंद है? अरे पहले बता दिया होता राज के लिए तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बेटे एक बार उससे तो पूछ लो उसको रिश्ता मंजूर है कि नहीं। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। राज को भी रिश्ता मंजूर है, तुमको भी मंजूर है। अरे कमाल करते हो, लड़का घर में बैठा हो तुम बाहर ढूंढ रहे हो। चलो सबको मीठा खिलाओ, मुंह मीठा कराओ, और मुंह में खिलाओ, शाबाश लाओ बेटा लाओ, जीते रहो। मुबारक हो, मैं भी इस घर का दामाद बन गया, और मैं जानता हूँ कि तुमको खास खुशी नहीं हो रही होगी, मगर तुम्हारी सिचुएशन के ऊपर मुझे भी राज कपूर जी का एक और अच्छा गाना याद आ रहा है, फिल्म मेरा नाम जोकर का। कहीं आग ना लग जाए, कहीं आग ना लग जाए। सर, ये जो आप फोटो खींच रहे हैं इसके पैसे कौन देगा? आप ही देंगे सर। तो फिर मेहमानों की फोटो खींचते रहेंगे, फैमिली वालों की फोटो नहीं खींचेंगे? मेरा मतलब एक बात है, नहीं नहीं मतलब फैमिली वालों एक फोटो हो जाए फैमिली वालों की। आइए आइए, सॉरी सॉरी, स्माइल स्माइल तेजपाल परिवार आज आज कंप्लीट हो गया। एक बार और लो बेटा, इधर देखो ना। थैंक यू थैंक यू। देखा प्यारे मोहन, हम जैसे घटिया लोग कैसे अपने सपने साकार कर लेते। राज, तू वाकई में मास्टर आदमी है यार। तूने जो सोचा वो कर दिखाया, आदर्श की तरह तेरी गेम भी सक्सेसफुल हो गई। यार तू कहां आदर्श की गेम को मेरी गेम से मिला रहा है? उसकी वाइफ को देख, ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बरगद का पेड़ खड़ा है। क्यों हंसा रहा? आदर्श ने शादी नहीं की है, समझौता एक्सप्रेस का टिकट कटा है। और उनको देखो, ब्लाइंड खेला मगर विश्व सुंदरी टाइप की लड़की अपनी जेब में आ गई। शुक्रिया। शाबाश शाबाश। यार तेरे मुझ पे बहुत सारा एहसान है, मुझे तुझे एक फ्री में सजेशन देनी। दे रहा है, दे प्लीज। यार देखो, जिंदगी में सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपने देखते हैं, इसलिए देखो। और उस सड़ी हुई चाल में रहकर सपने ठीक से नहीं आते हो ना, तो मेरे बंगले में आकर सोना शुरू कर दो, क्योंकि नीली छतरी वाले ने हमारे सर पर ऐसी छतरी खोल दी है कि तेरा दोस्त राज है ना, जिंदगी में राज करेगा। राज तू वाकई में मास्टर। क्या कर रहा है यार, पार्टी चल रही है तू बार बार गाल के ऊपर उंगली लगा रहा है। यार आराम से एंजॉय करना, आजा आजा, हंसाता रहता है तू। हाय बेबी, अब सोए नहीं? मैं सोया होता तो जागता ना, सोया नहीं सारी रात। क्यों नहीं सोया मेरा बच्चा? इसलिए कि कल तक जो सपने देखता था आज सारे हकीकत में बदल गए। सोना बेबी। नहीं नहीं नहीं, देखो सुबह सुबह रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। तो यू हैव टू गो गेट रेडी। ओके जाओ जा। चलो मैं भी चलकर अपनी प्रॉपर्टी का मुआयना तो कर लूं, देखो तो सही कि एक रात में किन किन चीजों का मालिक बन गया हूं मैं। हाय हाय।
ये जूस कहाँ ले जा रहा भाई? आदर्श साहब के कमरे में। आदर्श, कल से जो नाश्ता है ना पहले मेरे कमरे में आना चाहिए। जी ठाट है ना साहब, कहाँ तो बस्ती के अंदर पानी कम चाय पीते थे और आज ऑरेंज जूस भी फीका लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया एक रात में। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे बाबूजी। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बेटी की बैसाखी बना के मैं आपके घर में घुस जाऊंगा। घुसाया ना, तीन मर्द की जबान। हाँ बताइए, बंगले कितने हैं आपके पास? चार, उसमें से तीन तो मैंने ले लिए, चलिए एक आपको दे दिया। अब बचा आपका ऑफिस, तो मेरे हनीमून से लौटते ही अपना ऑफिस खाली कर देना। इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है? हाँ, आपके सारे क्लाइंट मैं संभालूंगा। आप बुजुर्ग हो गए भाई, अब छोड़िए अपनी जगह, वरना आप जैसे बुजुर्ग तो हम जैसे नौजवानों को तो कुत्ता बना के देवड़ी पे बैठा दे। क्या बात करते, गाड़ियां काफी खड़ी कर रखी है मैदान में इन्होंने अपने। जवानी में काफी रोमांटिक रहे होंगे हमारे ससुर जी। ये गाड़ी तो मैं अपने ऑफिस जाने के लिए रख लूंगा, ये ले जाऊंगा मैं कभी घूमने फिरने के लिए, अपने सोना डार्लिंग के साथ निकला करूंगा इसमें। अच्छी है काफी। हाँ, ये गाड़ी मैं अपनी सोना को दे दूंगा और वो मैं दे दूंगा नौकरों को, सब्जियां अब्जियां लाया करेंगे उसमें जाके, इसमें बिचारे। और बाकी बचा वो आदर्श, उस साले को तो मैं ऑटो में भेजूंगा। हाँ, क्या बात है, तैयारियां हो रही है हनीमून पर चलने की। ये इतने सारे कपड़े लेकर क्यों चल रही है? नहीं बाबा, हम हनीमून नहीं, अपने घर जा रहे हैं, बस्ती में। अच्छा, बस्ती में चल रही हो? तुम बस्ती में रहोगी? तुम बस्ती में क्यों रहोगी? मेरा मतलब है कि तुम वहाँ कैसे रह पाओगी? जैसे तुम रहते हो, और वैसे भी शादी के बाद लड़की का घर उसके पति के घर में होता है। मैं जानती हूँ ना तुम्हें, तुम्हारी इज्जत कितनी प्यारी है। तुम थोड़ी ना जीजा जी की तरह यहाँ घर जमाई बन के रहोगे, तुम तो यहाँ घर के दामाद बन के रहोगे ना। Now be a good boy and get ready, okay? जानू, बेबी, सोना, समझा करो ना। देखो, गुलिस्तान का फूल जो होता है ना, वो रेगिस्तान में कभी पनप नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग यही कहेंगे ना कि मैं घर जमाई बन गया। सुन लूंगा, सह लूंगा मैं तुम्हारे खातिर, तुम्हारे प्यार के खातिर। ए, उस दिन टूटते हुए तारे को देखकर मैंने भी एक मन्नत मांगी थी। मैंने मांगा था कि तुम मुझे पति के रूप में मिलो, क्योंकि तुम में हर वो बात है जो एक लड़की अपने पति में ढूंढती है। जिम्मेदारी का एहसास, सच्चाई, ईमानदारी, सब कुछ। बस भगवान ने मेरी सुन ली, और इसलिए जहाँ तुम रहोगे वहां मैं रहूंगी। जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहूंगी, लेकिन तुम्हारे सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करूंगी, ठीक है? Oh, come on, smile, baby. I have to pack. Love you. Bye. अंकल, आपने सोनू की बहकी हुई बातें तो सुनी होंगी। I am so proud of you, my son. सोनम कितनी खुशकिस्मत है जो तुम्हारे जैसा पति मिला। उसने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी दौलत, मेरी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओ हो, तुम एक सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ मेड इंसान बनना चाहते हो। मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मैं सोचता हूँ कि सारी दौलत आदर्श को दे दूं, जायदाद उसको दे दूं और खुद रिटायर हो जाऊं। क्या कि मैंने जिंदगी पानी पियो बेटा, मैंने जिंदगी में इतना काम किया है कि अब मैं चाहता हूं अपने फार्म हाउस में चला जाऊं, वहां आलू उगाऊं, भिंडी उगाऊं, तुम लोगों को अपने हाथ से उगाई हुई ताजी ताजी सब्जी भेजूं। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान तुमको बेटा? कैसा लगा प्लान बताओ ना, मुंह से बोलो ना बेटा। बहुत अच्छा, उत्तम, वेरी गुड, टू गुड। मैं आती जाती रहूंगी दीदी, फोन करती रहना दीदी। देखो ना, सोनू भी जा रही है। क्या? आप सबको छोड़कर जा रही है। इसके बिना घर सुना हो जाएगा ना? बिल्कुल सुना हो जाएगा। डैडी भी बेचारे अकेले रह जाएंगे यहाँ पर। बहुत अकेले हो जाएंगे। कितनी दुख की बात है ना? नहीं, इसमें दुख की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। सोनम अपने पति के घर जा रही है।